हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए ये जाली वाला पैटर्न लेके आई हूँ। ये देखिए, ये आप लेडीज़ कार्डिगन में डाल सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है ये। और एक वेव्स बन के आती हैं इसमें, देखिए ऐसे करके लहर सी दिखेगी आपको, ऐसे इस तरीके का डिज़ाइन है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 8 के मल्टीपल में फंदे डालने हैं, प्लस 2 फंदे हमें अपनी दोनों तरफ की एज के लिए एक्स्ट्रा लेने हैं। तो इसमें मैं आपको 18 फंदों में ये डिज़ाइन दिखा रही हूँ बना के। ये दीजिए, जब हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फर्स्ट रो है हमारी। अगर आप बॉर्डर नहीं डालते हैं तो एक रो पूरी सीधी और उल्टी बना लीजिएगा, उसके बाद डिज़ाइन स्टार्ट कीजिएगा। तो ये फर्स्ट रो है, 2 फंदे हम उल्टे बिनेंगे। ये पहला फंदा हम उल्टा, ये देखिए पहला फंदा हम उल्टा बिनेंगे, दूसरा फंदा हम उल्टा बिनेंगे, 2 फंदे हमने उल्टे बिनने हैं, धागे को पीछे करेंगे और 4 फंदे सीधे बिनेंगे। 1, 2, 3, 4। फिर इन 2 फंदों को आगे की तरफ से ऐसे करके एक साथ लेके सीधा बिन लेंगे। उसके बाद धागे को आगे करेंगे, जाली आएगी और ये पैटर्न यहीं पर खत्म होता है। इसके बाद दोबारा से हम अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो ये इसको गोल घुमा के आगे लाएंगे क्योंकि ये जाली बनेगी यहाँ पर, और आगे के 2 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। 1, 2, धागा पीछे, रिपीट हो रहा है पैटर्न। तो 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4 के बाद इन 2 फंदों को ऐसे आगे से एक कर लेंगे। के बाद धागा आगे करेंगे, गोल घुमा के आगे लाएंगे और फिर इन 2 फंदों को उल्टा बिन लेंगे। 1, 2। अब ये हमारी रॉन्ग साइड है, तो इसमें देखिए रॉन्ग साइड हमारी इस डिजाइन में सेम एक ही जैसी बनेगी हमेशा। तो देखिए 2 फंदे सीधे, 1, 2, 2 फंदे हम सीधे बिनेंगे, धागा आगे करेंगे, 6 फंदे हम उल्टे बिनेंगे। 1, जाली वाला फंदा भी इंक्लूड है इसमें। 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, 1, 2, धागा आगे करेंगे और 2 फंदे, 6 फंदे उल्टे। ये देखिए जाली का फंदा है ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब लास्ट के 2 फंदे बचेंगे, धागा पीछे करेंगे, लास्ट के 2 फंदे हमारे सीधे बनेंगे। अब हर बार हमारी रॉन्ग साइड इसी तरीके से बनेगी, तो अब मैं आपको रॉन्ग साइड नहीं दिखाऊंगी इस डिजाइन में। अब ये हमारी थर्ड रो है, राइट साइड है, 2 फंदे उल्टे, 1, 2, धागा पीछे करेंगे, उसके बाद 3 फंदे हम सीधे बिनेंगे। 1, 2, 3। फिर इन 2 फंदों को एक साथ ऐसे आगे से एक कर लेंगे, उसके बाद एक फंदा हम सीधा बिनेंगे और फिर जाली आएगी। जाली के ऊपर देखिए धागे को आगे करेंगे, गोल घुमा के आगे लाएंगे, पैटर्न फिनिश होता है। दोबारा से स्टार्ट करेंगे हम अपना पैटर्न। 2 फंदे उल्टे, 1, 2, 3 धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। फिर इन 2 फंदों को एक कर लेंगे आगे से, एक फंदा सीधा, जाली के ऊपर जाली आएगी, धागा आगे करा, गोल घुमा के आगे लाए और लास्ट के 2 फंदे बचेंगे वो हम उल्टे बिनेंगे। अपनी फिफ्थ रो में है, राइट साइड है हमारी, 2 फंदे हमारे उल्टे चल रहे हैं, वो उल्टे ही चलेंगे। 1, 2। फिर धागे को पीछे करेंगे और अब की बार केवल हम 2 फंदे सीधे बिनेंगे। यहाँ पे फंदे हमारे घटते जाएंगे और ये जो जाली से जो 2 का एक कर रहे हैं के बाद जो फंदे हैं वो हमारे बढ़ते जाएंगे इस साइड से। तो अब की बार हम केवल 2 फंदे सीधे बिनेंगे, 1, 2, और इन 2 फंदों को आगे से एक कर लेंगे। फिर 2 फंदे हम सीधे बिनेंगे,
एक दो, फिर धागा आगे करेंगे, गोल घुमा के आगे लाएंगे, जाली आएगी, फिर से अब रिपीट करेंगे अपना पैटर्न आगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, फिर इन दो फंदों को आगे से एक कर लेंगे, फिर दो फंदे सीधे, फिर धागा आगे करेंगे, गोल घुमा के आगे लाएंगे और दो फंदे उल्टे बिन लेंगे। अब फिर से हम अपनी राइट साइड में हैं, सेवेंथ रो है हमारी। देखिए दो फंदे हम उल्टा बिनेंगे, शुरू के जो दो फंदे उल्टे चल रहे हैं वो हमेशा उल्टे ही चलेंगे, तो एक दो, धागा पीछे करेंगे, अब की बार केवल एक फंदा हम सीधा बिनेंगे, एक फंदा सीधा बिना, फिर इन दो फंदों को एक साथ सीधा बिन लेंगे। इस तरीके से अब यहाँ पे हमारे तीन फंदे सीधे होंगे, एक दो तीन, फिर धागा आगे करेंगे, गोल घुमा के आगे लाएंगे, जाली आएगी, फिर से हमारा पैटर्न अब रिपीट होगा, तो दो फंदे आगे के उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, इन दो फंदों को आगे से एक कर लेंगे, फिर आगे के तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, धागा आगे लाएंगे, गोल घुमा के आगे लाएंगे, जाली आएगी और आगे के दो फंदे उल्टे। अब देखिए फिर से हम अपनी राइट साइड में हैं, नाइन्थ रो है हमारी। तो अब शुरू के दो फंदे तो हम उल्टे बिनेंगे और अब की बार हमें दो फंदों को एक कर लेंगे, फिर आगे के चार फंदे सीधे बिनेंगे, एक दो तीन चार, फिर धागा आगे लाएंगे, गोल घुमा के आगे लाएंगे, जाली आएगी, अब फिर से पैटर्न हमारा रिपीट होगा, तो दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेके सीधा बिन देंगे, फिर चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, धागा आगे लाएंगे, गोल घुमा के आगे लाएंगे, जाली आएगी और लास्ट के दो फंदे उल्टे। यह है हमारा, और अब हमें ये जो ये फली इस साइड जा रही है इसको हमें इस साइड को मोड़ना है। तो देखिए ये अब 11th रो है, देखिए दो दो फंदे हम उल्टे बिनेंगे, अब हमारी जाली यहाँ पर आएगी, दो फंदे उल्टे बिनने के बाद तुरंत हमारी जाली आएगी, तो उसके बाद हमें ये दो फंदे अब इस साइड को पलटने हैं। ये देखिए ये हमारी ये फली जा रही है, अब हमें इस फली को इस साइड को लाना है। तो अभी तक हम आगे से एक कर रहे थे, अब हम पीछे से एक करेंगे दो फंदों का। तो पहले हम ऐसे नेट वाइज स्लिप कर लेंगे इन्हें, ऐसे करके वापस से इसी सिलाई में चढ़ाया और पीछे की तरफ से धागा हमारा आगे ही रहेगा क्योंकि जाली आएगी, और पीछे की तरफ से इन दो फंदों का एक कर लेंगे। उसके बाद चार फंदे आगे के सीधे बिनेंगे, एक दो तीन चार। अब यहाँ से फिर से हमारा पैटर्न रिपीट होगा, तो धागे को आगे करेंगे, एक दो, दो फंदे हमने उल्टे बिने, जाली आएगी तो धागा आगे ही रहेगा और इन दो फंदों को ऐसे नेट वाइज स्लिप करेंगे और पीछे से इन दोनों को एक कर लेंगे। उसके बाद चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, अब लास्ट के दो फंदे बचे हैं तो धागा आगे करके इनको उल्टा बिन लेंगे। देखिए फिर हम अपनी राइट साइड में हैं, 13th रो है हमारी। तो इन दो फंदों को हम उल्टा बिनेंगे, अब यहाँ पर जाली आएगी, इसके बाद एक फंदा हम सीधा बिनेंगे, धागा आगे ही रहेगा और एक फंदा सीधा बिनेंगे, फिर इन दो फंदों को ऐसे नेट वाइज हम स्लिप करेंगे। और फिर इन्हें पीछे से एक साथ लेके ऐसे सीधा बिन देंगे। इस तरीके से उसके बाद आगे के तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर से हमारा पैटर्न रिपीट होगा आगे, तो धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे बिनेंगे,
अब यहां पर जाली आएगी तो धागा आगे ही रहेगा और एक फंदा आगे का सीधा बिनेंगे। उसके बाद इन दो फंदों को निटवाइज स्लिप करेंगे ऐसे और इन्हें पीछे से एक साथ लेके सीधा बिन देंगे। उसके बाद आगे के तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे बिन लेंगे। अब ये हमारी 15th रो है, राइट साइड है, तो दो फंदे शुरू के उल्टे बिने, फिर धागा आगे ही रहेगा और आगे के दो फंदे हम सीधे बिनेंगे। यहाँ पर जाली आएगी इसलिए धागा आगे रहेगा और एक दो फंदे सीधे बिने, फिर इन दो फंदों को निटवाइज स्लिप करेंगे और इन्हें पीछे से एक साथ सीधा बिन देंगे, फिर दो फंदे आगे के सीधे, एक दो। फिर पैटर्न रिपीट होगा, तो आगे के दो फंदे उल्टे, फिर धागा आगे ही रहेगा और दो फंदे सीधे, एक दो, फिर इन दो फंदों को नेटवाइज स्लिप करेंगे, पीछे से एक कर लेंगे, फिर आगे के दो फंदे सीधे, धागा आगे करके लास्ट के दो फंदे हम उल्टे बिन लेंगे। देखिए हम अपनी 17th रो में हैं, 17वीं सिलाई है हमारी, तो दो फंदे हम सीधे बिनेंगे, फिर धागा आगे ही रहेगा और आगे के तीन फंदे हम सीधे बिन देंगे इस बार, एक दो तीन, फिर इन दो फंदों को निटवाइज स्लिप करेंगे ऐसे और इन्हें पीछे से एक कर लेंगे, फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, रिपीट होगा अब हमारा पैटर्न, दो फंदे उल्टे, धागा आगे ही रहेगा और ये एक दो तीन फंदे सीधे, फिर इन दो फंदों को नेटवाइज स्लिप कर लेंगे और इन्हें पीछे से एक कर लेंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर ये लास्ट के दो फंदे बचेंगे, धागे को आगे करके दो फंदे उल्टे। अब देखिए ये 19th रो है हमारी, राइट साइड है, दो फंदे हम इसमें उल्टे बनेंगे पहले, फिर धागा आगे ही रहेगा, जाली आएगी और चार फंदे हम यहाँ से सीधे बिन लेंगे, एक दो तीन चार, फिर इन दो फंदों को नेटवाइज स्लिप करेंगे और पीछे से इनको एक कर लेंगे। रिपीट होगा तो धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे बिनेंगे, अब धागा आगे ही रहेगा और चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, फिर इन दो फंदों को नेटवाइज स्लिप करेंगे, पीछे से इन दोनों को एक कर लेंगे, धागा आगे करेंगे, लास्ट के दो फंदे उल्टे बिन लेंगे। पैटर्न कंप्लीट हो गया है, बन गया है। अब इन्हीं 20 रो को हमें आगे कंटिन्यू करते जाना है, जितना भी आपको बड़ा बनाना है। तो जब आप इसे बड़ा बनाएंगे तो इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा, ये देखिए, तो ये इस तरीके से दिखेगा। थैंक यू।